हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लाई हूँ जो कि आपके घर में बच्चे और बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाली है। इस डिश को खाने के बाद आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी कुछ भी प्रेफर नहीं करेंगे खाना। जब भी आप बनाएंगे तो यही बनाएंगे। साथ में अगर रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और इसके साथ बनाई है मैंने ये ग्रीन चटनी। तो अब देखिए, ये रेसिपी जो है एकदम फूली फूली और टेस्टी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं एकदम अंदर से फ्लफी है। तो अगर आप ये नाश्ता बनाते हैं, बच्चों के टिफ़िन में दें इसे, तब भी परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। चाय के साथ भी परफेक्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले लेंगे हम एक बड़ा बर्तन, उसमें ले लिया है लगभग 100 ग्राम गेहूँ का आटा, और इसमें मैंने थोड़ी सी मटर ली है, उनको कट कर लिया है, और इसमें मटर डाल दी है, हरी फ्रेश मटर है ये। और अब इसमें हम डालेंगे हरा कटा हुआ ढेर सारा धनिया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। आप इसमें कोई भी मसाला अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। और अब मैंने ले लिए हैं ये उबले हुए 2 आलू, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, वो डाल दिए हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून दही। दही फ्रेश है, घर का बना हुआ दही है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून सूजी, और इस सबको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे। पानी खट्टा ऐड नहीं करेंगे, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी ऐड करेंगे। तो इसको मिक्स करें अच्छे से, लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसमें। और अगर इसमें आप कोई और सब्जियां जैसे कि बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च जो भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका नाश्ता और भी टेस्टी बनेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम। तो प्याज भी ऐड करना है आपको, ऑप्शनल है बिल्कुल, प्याज ऐड करना चाहें करें, नहीं तो बिना प्याज के भी आप ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गेहूं के आटे से बना ये नाश्ता हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के लंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप 10 मिनट बाद देखेंगे, 10 मिनट ढक दिया था इसको, 10 मिनट बाद आप देखें थिकनेस, ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब इससे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में ये नाश्ता आप रेडी कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को आप बच्चों की मनचाही शेप में तैयार कर सकते हैं। हाथों पे सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसको हम जिस भी मर्जी जो चाहो आप उसी शेप में बना के रख सकते हैं इसे आप। और ये बैटर तैयार करके, ये डो तैयार करके आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और अब एक पैन में जितना ऑयल फ्राई करने के लिए काफ़ी हो उतना ले लें। और आप देख सकते हैं ऑयल पूरा गर्म है हमारा। और अब हम इस पर अपने ये नाश्ते के कटलेट, आप जो भी बोले इन्हें, वो डाल देंगे। उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन करेंगे इसको। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे उलटते पलटते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा है। और आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुके हैं, इनका टेस्ट बहुत ही यमी होता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे ये। तो अब हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे ही मैं 4-4 का बैच फ्राई कर लूँगी, आप अपने हिसाब से फ्राई करें। और अब सर्व करेंगे इन्हें हम। तो आप देख सकते हैं हमारे गेहूं के आटे का और सब्जियों के साथ ये हेल्दी नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। इसको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, ये चटनी धनिया और हरी मिर्च की है, और इसको हम अब इंजॉय करेंगे। आप देखें अंदर से ये
कितने प्लफी हैं और अंदर देखें आप स्टफ्ड हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता रेडी होता है और फटाफट आप इन्हें घर में अवेलेबल सब्जियों से और गेहूं के आटे से रेडी कर सकते हैं। तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ऑन करना होगा और अब हम चटनी से एंजॉय करेंगे। थैंक यू।